Hi guys, I'm Ashmit Patel and you're watching Cine Speaks. Hi Ashmit, welcome on Cine Speaks. So, आपकी web series आ रही है and this web series name is The Bull of Dalal Street, right? तो ये थोड़ा सा define करेंगे किस ये नाम ऐसा क्यों है इसका The Bull of Dalal Street. मैं समझाता हूँ. जी. आपके viewers को शायद पता नहीं होगा कि Bombay Stock Exchange जो है. जी. Dalal Street पे based है. जो लंबी सी बिल्डिंग है इट्स ऑन दलाल स्ट्रीट तो जब दलाल स्ट्रीट कहते हैं इट एक्चुअली मीन्स स्टॉक मार्केट इट मीन्स द बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज तो इसलिए द बुल ऑफ दलाल स्ट्रीट बुल इसलिए क्योंकि दो किस्म के लोग होते हैं एक होते हैं जो तेज़ी में बिलीव करते हैं एक होते हैं जो मंदी में बिलीव करते हैं जो तेज़ी में बिलीव करते हैं उनको बुल्स कहा जाता है स्टॉक मार्केट में और जो मंदी में बिलीव करते हैं उन्हें बेयर्स कहा जाता है बेयर्स ओके इस शो में मेरा जो किरदार है इकबाल का जो किरदार है हम बुल्स हैं okay. तेज़ी में बिलीव करते हैं हम एम्बिशियस हैं अग्रेसिव हैं हमारे काम को लेके और इसको इसलिए इस वजह से शायद हम बहुत जल्द तरक्की करते हैं पैसा कमाते हैं पावर आ जाता है uh-huh. और उस पावर और तरक्की और पैसे के साथ हमारी रिलेशनशिप्स में हमारी फैमिली में हमारी इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स में जो बदलाव आते हैं इज़ द क्रक्स ऑफ दिस एंटायर शो ओके तो अश्मित आप रियल लाइफ में स्टॉक ब्रोकिंग में कितना बिलीव करते हैं और क्या आप उसमें भी बुल हैं देखिए मैं आपको समझाता हूँ दो किस्म के इन्वेस्टर्स आई मीन दो किस्म के लोग हैं जो स्टॉक मार्केट में पैसा डालते हैं एक है जो इन्वेस्ट करते हैं जी वो अच्छे ब्लू चिप कंपनीज में जिनकी फंडामेंटल स्ट्रांग हो उनमें पैसा डालते हैं और भूल जाते हैं 5, 7, 10 साल तक देखते भी नहीं ओके क्योंकि उनको पता है कि ये कंपनीज सॉलिड है और आगे जाके पैसा उनको मिलने वाला है वो कमाएंगे ही दूसरे जो हैं वो स्पेकुलेशन करते हैं स्पेकुलेशन मतलब आज खरीदा कल बेच दिया या शॉर्ट सेल किया ये सोच के कि कल जो है ये स्टॉक गिरने वाला है तो आज मैं शॉर्ट सेल कर लेता हूँ कल जाके मैं खरीद लूँगा जब प्राइस नीचे आ जाती है तो ये चीज़ जो है रिस्की है क्योंकि इट्स अ काइंड ऑफ गैम्बलिंग अगर आप गैम्बलिंग करोगे इट्स जुआ खेलोगे मोटा मोटी जब एंड में आप हिसाब करोगे आप पैसे लूज करने वाले तो इट्स नॉट एडवाइजेबल मैं इन्वेस्ट करता हूँ मेरे कुछ लोग हैं जो मेरे लिए जो मुझे एडवाइस करते हैं और मेरे लिए इन्वेस्ट करते हैं लेकिन आई वुड ऑल्सो से कि आपको अपना पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहिए अगर आपके पास ढेर सारे पैसे हो तो प्लीज़ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करिए Tier 2, Tier 3 सिटीज़ में जहाँ पे अप्रिसिएशन मिलेगा आपको उसके अलावा आपको थोड़ा सा पैसा फिक्स डिपॉजिट में हमेशा रखना चाहिए क्योंकि खुदा ना खास्ता कुछ इमरजेंसी सिचुएशन आ जाए आपको वो पैसे की ज़रूरत पड़े तो आप वो इमीडिएटली इन सेकंड्स आप वो पैसे निकाल सकते हो और यूज़ कर सकते हो ओके तीसरी चीज़ आप म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट कर सकते हो जो अगेन बिट रिस्की बट इफ़ यू टेक अ गुड कंपनी विच हैज़ अ गुड फंड मैनेजर आप पैसे बना सकते हो तो डाइवर्सिफाई एज मच एज यू कैन किरदार के बारे में तो आपने स्टॉक ब्रोकर जैसे मैंने आपको एडवाइस दिया बिल्कुल सर थैंक्स फॉर योर टिप्स थैंक यू एंड वेल सर किरदार के बारे में तो आपने बता दिया बहुत अच्छे से बट जो अब आपको स्क्रिप्ट पढ़ी आपने कितनी इंटरेस्टिंग लगी और कैसे आपने इस चीज़ को इमीडिएट ओके कहा देखिए एक एक्टर 3-4 चीज़ें देखता है एक प्रोजेक्ट को हाँकने के पहले फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट इज द स्क्रिप्ट अगर आपको स्क्रिप्ट पसंद आए फिर आपका कैरेक्टर आप देखते हो अगर स्क्रिप्ट ही नहीं पसंद आए और आपका कैरेक्टर अच्छा हो तो कोई मतलब नहीं बनता क्योंकि वो स्क्रिप्ट मतलब लोग देखेंगे आपके हिसाब से वो स्क्रिप्ट जो फिल्म बनेगी अच्छी नहीं बनेगी लेकिन ये स्क्रिप्ट बहुत ही तगड़ी थी जैसे कि मैं कह रहा था कि स्ट्रॉन्ग इमोशनल कंटेंट है बहुत सारे ट्विस्ट एंड टर्न्स हैं तो स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद मुझे लगा कि चाहे जितना भी छोटा है बड़ा मेरा रोल हो मुझे इस स्क्रिप्ट का एक हिस्सा बनना है ओके अश्मित हमने सुना है आप ये वेब सीरीज़ तो कर ही रहे हैं शायद आपकी एक और भी एक शायद वेब सीरीज़ आ रही है जो रेडी है तो उसके बारे में थोड़ा बताएंगे क्या है किस नाम तो बुल ऑफ द लास्ट वीक के पहले मैंने उल्लू ऐप के लिए ही एक और शो शूट किया था पेशावर जो पेशावर अटैक्स 2014 में जो अटैक्स हुए थे उस पर आधारित है अच्छा लेकिन जो कि वो एक एक्शन बेस्ड है काफ़ी एक्शन है उसमें और स्पेशल इफेक्ट्स है वो स्पेशल इफेक्ट्स में थोड़ा वक्त लग रहा है तो जैसे ही वो स्पेशल इफेक्ट्स कंप्लीट हो जाएंगे ये शो भी रिलीज हो जाएगी अच्छा एंड आपसे एक और सवाल आप बिग बॉस में रह चुके हैं बिग बॉस को बहुत अच्छी तरह जानते हैं और अब 2 दिन बाद उसका फिनाले आ रहा है तो आप फॉलो कर रहे हैं तो किसको देख रहे हैं जीतते हुए और इस बार के शो के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे मैं बिग बॉस फॉलो नहीं करता कभी ना कभी किया है अच्छा तो मैं बता नहीं सकता हूँ कि कौन
जीतना चाहिए, कौन, मतलब आई हैव नो आइडिया, क्योंकि मैंने सिर्फ शुरुआत में 2-3 एपिसोड देखे थे जब मेरी बहन ऑब्वियसली गई थी, तो मैंने जी जी वो एपिसोड देखी, लेकिन उसके अलावा फॉलो नहीं करता हूँ. लेकिन सुना है कि बहुत इस बार लड़ाई झगड़े बहुत हो रहे हैं. मैं सिद्धार्थ शुक्ला को जानता हूँ पहले से, रश्मि को भी थोड़ा बहुत जानता हूँ, तो सिद्धार्थ जीते तो मज़ा आ जाएगा क्योंकि बहुत ही अच्छा बंदा है. बट आई मीन ऑनेस्टली आई डोंट नो शो के अंदर किसने क्या किया, सो आई डोंट रियली, आई कांट रियली कमेंट. ओके, इसके अलावा कुछ और अपकमिंग आपके लाइन ऑफ प्रोजेक्ट्स वगैरह कुछ अभी फिलहाल? एक और वेब सीरीज के लिए फिलहाल शूट चल रही है. अच्छा. एक नए प्लेटफॉर्म के लिए जो अगले महीने लॉन्च होने जा रही है जी. और डीजेइंग मेरा चल रहा है. हाँ. डीजेइंग भी करता हूँ, तो हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार मैं कहीं ना कहीं देश के किसी कोने में या दुनिया के किसी कोने में जाके डीजेइंग करता हूँ. चलते चलते हमारे आपके अपने फैंस को यहाँ बताइए कि ये जो आपका वेब सीरीज आ रही है कब आ रही है और इसको क्यों देखना चाहिए? देखिए, क्यों देखना चाहिए मैंने अभी आपको बताया जी. इतनी सारी अमेजिंग चीज़ें इस शो के अंदर, बहुत तगड़ी है, कैरेक्टर्स बहुत स्ट्रांग है, इमोशनल कंटेंट है, ग्लैमर है, सब कुछ है इसमें. बेहतरीन एक्टर्स सारे कैरेक्टर्स को अदा कर रहे हैं और ये 21 फरवरी को रिलीज़ हो रही है ऑन दी उलू ऐप. आप प्लीज़ डाउनलोड करिए, सब्सक्राइब करिए उलू को आपके फ़ोन पे. अगर आप एंड्रॉयड यूज़र हैं तो सिर्फ 12 रुपये महीने चार्ज होता है. अगर आईफोन यूज़ करते हैं तो 20 रुपये महीने का. तो प्लीज़ डाउनलोड करिए एंड वॉच द शो 21 फरवरी. थैंक यू सो मच एंड वी विश यू कि आपका ये वेब सीरीज सुपर हिट हो और हम आपको फिर सक्सेस पार्टी में दोबारा मिलें. थैंक यू सो मच. थैंक यू वेरी मच.